दोस्तों मारुति ब्रेजा जून जुलाई मंथ के बदले में अगले महीने मई मंथ में ही इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है, ऐसा न्यूज में बताया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपकमिंग मारुति ब्रेजा में टोटल 30 मेजर अपडेट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको इस कार में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सेफ्टी से शुरू करते हैं। तो सेफ्टी अपडेट्स में आपको ब्रेजा में क्या क्या देखने को मिलेगी, तो सेफ्टी अपडेट्स में आपको ब्रेजा में टॉप मॉडल में देखने को मिलेगी 6 एयरबैग का सेटअप, जबकि निचले वाले मॉडल्स में आपको देखने को मिल जाएगा हिल होल्ड असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, स्ट्रॉन्गर बॉडी सेल जैसे अपडेट्स। ये कार ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म पर ही डेवलप हुई है, ये कार हाईटेक प्लेटफॉर्म पर डेवलप नहीं हुई है। इसके अलावा हो सकता है बेस मॉडल से ही आपको ब्रेजा में 4 एयरबैग्स का सेटअप देखने को मिल जाए। इसके अलावा आपको टायर प्रेशर मॉनिटर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ये सभी फीचर आपको स्टैंडर्ड देखने को मिल सकता है ब्रेजा के बेस मॉडल से ही। तो दोस्तों ये थे सेफ्टी अपडेट्स। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और एक्सटीरियर अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक्सटीरियर अपडेट्स में आपको देखने को मिलेगा नए डिजाइन की ग्रिल, न्यू ट्विन पॉड प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स। मार्केट में आपको बहुत सारे कारों में LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं, लेकिन ब्रेजा वाली क्वालिटी उन गाड़ियों में देखने को नहीं मिलती, यह आपको भी मानना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा अपडेटेड बम्पर्स, नए डिजाइन की फॉग लैम्प्स, न्यू फॉक्स किट प्लेट जो आपको सिल्वर पेंट में देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगी न्यूली डिजाइन एलॉय व्हील्स और नया डिजाइन टेल लैम्प्स। तो ये सभी अपडेट आपको एक्सटीरियर में देखने को मिल जाएगी नए वाली ब्रेजा में। अब इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में अब आपको देखने को मिलेगा सनरूफ। जी हाँ, अब आपको सनरूफ देखने को मिलेगा, वो भी इलेक्ट्रिक सनरूफ होगा, पैनोरामिक सनरूफ नहीं होगा, और ये मारुति का पहला कार होगा इंडिया में जिसमें आपको सनरूफ देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा 360 डिग्री कैमरा जो आपको बलेनो और मारुति XL6 में देखने को मिला था, तो वही सेटअप अब आपको मारुति ब्रेजा में भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको देखने को मिल सकता है वायरलेस फोन चार्जिंग, न्यू फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, नया डिजाइन का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सेमी डिजिटल होगा, मतलब आपको छोटी डिजिटल MIT देखने को मिल जाएगी मिडिल में, और साइड में आपको टैकोमीटर और स्पीडोमीटर देखने को मिलेगा एनालॉग में। इसके अलावा बलेनो जैसा आपको 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा विथ नया इंटरफेस, और ये सपोर्ट करेगा वायरलेस एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले को। इसके अलावा बलेनो जैसा आपको हेडअप डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, सुजुकी कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, टोटल 40+ कनेक्टेड ऐप आपको नया ब्रेजा में भी देखने को मिलेगा। तो ब्रेजा अंदर से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। इसके अलावा मैकेनिकल अपडेट्स के बारे में बात करें तो अभी सुनने में आ रहा है ब्रेजा के प्राइस को कम रखने के लिए इसमें स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिलेगा। तो अब आपके दिमाग में ये जरूर आएगा स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम अगर इस कार में नहीं होगा तो माइलेज कैसे बढ़ेगा। तो आप लोगों ने अभी रिसेंटली देखा है आर्टिगा और XL6 में आपको नया इंजन देखने को मिलता है जो थोड़ा पावर कम जेनरेट करता है, 102 BHP और 137 NM टॉर्क। इसी वजह से उन कारों में आपको माइलेज बढ़िया मिल जाती है, तो वही फिगर आपको ब्रेजा में भी देखने को मिलेगा, 20+ माइलेज आपको ब्रेजा में भी क्लेम्ड करा जाएगा। इसके अलावा आपको देखने को मिल जाएगा CNG किट, कंपनी फिटेड नया वाला ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, 6 स्पीड वाला विथ पैडल शिफ्टर्स, और इंजन भी आपको नया देखने को मिलेगा इम्प्रूव्ड माइलेज के साथ। और ये सभी अपडेट के बाद लास्ट में आएगा नंबर 30 प्राइस इंक्रीज। जी हाँ दोस्तों, ब्रेजा में भी अब आपको प्राइस इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगी मारुति XL6 या फिर मारुति आर्टिगा के जैसा, क्योंकि अब आपको इसमें नया इंजन मिलेगा, नया गियरबॉक्स मिलेगा विथ पैडल शिफ्टर्स, नए नए सेफ्टी फीचर मिल जाएंगे, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव मिलेगी, अंदर एक्सटीरियर का डिजाइन बहुत इम्प्रूव मिलेगा, वो पुराना वाला फील आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा नए नए फीचर्स भी अब इसमें जोड़ दिए जाएंगे, इसीलिए कहीं ना कहीं प्राइस भी इसका ओवर हो जाएगा। इसीलिए अगर आप लोग ब्रेजा को कम बजट में परचेस करना चाहते हो तो अभी भी करंट मॉडल इंडियन मार्केट में अवेलेबल है, आप उसको जाकर परचेस कर सकते हो, क्योंकि नया मॉडल लॉन्च होने वाला है तो आपको ब्रेजा में डिस्काउंट भी कंपनी ऑफर कर सकती है, इसीलिए उसका आप मजा ले सकते हो। तो दोस्तों ये थे वो सभी 30 कॉन्फर्मेशन जो मारुति ब्रेजा में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।